बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। वैसे राज्य में एक राउंड की टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। थर्ड राउंड की प्रोसेस के लिए तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। अब 17,294 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की अलग से नियुक्तियां होंगी। बिहार शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट और एसटेट में बदलाव के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अलग से 12,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हो सके। दरअसल बिहार सरकार 17,294 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। ज्यादातर नियुक्ति प्राइमरी स्कूलों में होगी। फिलहाल 5,151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से नियुक्ति होगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में 12,113 नए पदों का सृजन किए जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि संवैधानिक सहमति बना ली गई है, अब कैबिनेट से मुहर लगाने की तैयारी चल रही है। उर्दू, फारसी और अरबी विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट परीक्षा कराई जाएगी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने पर काम चल रहा है। बिहार शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू विषय के 4,932 पद खाली हैं। कक्षा 9 से 10 तक के माध्यमिक विद्यालय के लिए 1,219 उर्दू विषय के शिक्षक नहीं है। फिलहाल इन्हीं पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। वैसे राज्य में एक राउंड की टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। थर्ड राउंड की प्रोसेस के लिए तैयारी की जा रही है। अब 17,294 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की अलग से नियुक्तियां की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति के लिए टेट और एसटेट में बदलाव के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अलग से 12,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हो सके। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।